बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको सीख कबाब कढ़ाई बनाना बताती हूँ। सीख कबाब वैसे तो हमेशा खाते हैं, आज उसको कढ़ाई के साथ मिला के खाते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम कीमा ले लिया है और पहले हम इसमें स्पाइसेस शामिल करके इसे पीसते हैं। पहले हम कबाब बनाएंगे फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं जल्दी से। यहाँ देखिए चॉपर में सबसे पहले यहाँ मैंने प्याज ऐसी रफली सी चॉप कर ली है, ये शामिल कर लेंगे अपने चॉपर में। ये डालने के बाद हरा धनिया है, ये मैं डाल दूंगी हरा धनिया। और यहाँ पर मेरे पास एक लाल मिर्च अवेलेबल है, अगर आपके पास हरी है तो आप हरी डाल दें। मेरे पास इस वक्त लाल मिर्च अवेलेबल है तो मैं ये डाल दूंगी। ये चीज़ें डालने के बाद पहले हम इसे चॉप कर लेंगे, फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस वगैरह दूसरे डालेंगे। ये देखें इतना इस तरह से चॉप कर लिया, बिल्कुल हमें एकदम पेस्ट नहीं बनाना। इसके बाद ये जो कीमा है हम ये कीमा इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है जो कि मैंने इसको भून कर पीस लिया है। यहाँ आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया इसे भी मैंने भून कर पीसा है, और यहाँ पर 1/4 गरम मसाला है और आधी चम्मच नमक है। ये सारे स्पाइसेस हम अपने इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद एक ब्रेड डाल देंगे। मेरे पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल है, आपके पास वाइट ब्रेड हो तो आप वाइट ब्रेड डाल दें। सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, फिर मैं इसको आपको चॉप करके फिर बताती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस हम करते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो है कीमा ये मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके बाद ये अगर आपके पास इस तरह की सीख ना हो तो आप कोई चम्मच ले लें या कोई भी किस्म का स्ट्रॉ होता है वो ले लें। तो हम इसमें अपने सीख कबाब बनाएंगे। इसके लिए ये थोड़ा सा पानी लेकर फिर आप हाथ को गीला कर लें थोड़ा सा, ताकि ये इसमें सीख कबाब अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा सा कीमा उठाएँगे और ये कि आप छोटे छोटे सीख कबाब बनाएँ तो कढ़ाई में छोटे छोटे सीख कबाब अच्छे रहते हैं, सही रहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे सीख कबाब बना लें। इसमें अगर आपके पास सीख ना भी हो तो ये चीज़ किसी चम्मच से भी हो जाएगी, स्ट्रॉ से भी हो जाती है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। सीख होना ही ज़रूरी नहीं है। ये देखें ये करके इस तरह से आप सारे सीख कबाब बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। पहले हम अपने सारे कबाब इसमें फ्राई कर लेंगे, सारे कबाब डाल के हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ हमारी तरफ जो गोल्डन सा कलर आ गया है, दूसरी तरफ से भी हम इसको पलट कर अच्छा सा कलर दे देंगे। इसके बाद हम ये सारे कबाब निकाल के फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीख कबाब रेडी हैं। अब इसे एक साइड पे रखते हैं या ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने सीख कबाब फ्राई किए थे। यहाँ पर एक चॉप प्याज मैंने चॉप कर ली है। ये प्याज देखिए, ये प्याज को तकरीबन हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। बस हमें इसे लाल नहीं करनी है, सॉफ्ट सा करना है। सीख कबाब का ही ऑयल मैंने यूज़ किया है, इसकी वजह से इसमें जो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। बस हमें प्याज अपनी इतनी सी ही सॉफ्ट करनी है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं, ये 2 टमाटर इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे और उस टाइम पर भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। पहले सबसे पहले हसबे जायका अब नमक डाल दें इसमें। नमक डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक चम्मच रेड चिली पाउडर है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। एक चम्मच पीसा हुआ धनिया है जो कि मैंने भून कर पीस लिया है। आधी चम्मच हल्दी है और एक चम्मच सफ़ेद जीरा है, ये भी मैंने भून कर पीस लिया है। ये स्पाइसेस हम अपने इसमें शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करें। इसके बाद हसबे जायका अब जितनी ब्लैक पेपर पसंद करते हैं इतनी डाल दें, आधी चम्मच काफ़ी रहेगा। फ्रेश ब्लैक पेपर है, ये डालने के बाद तकरीबन एक चम्मच जितना आप इसमें दही शामिल कर दें। ये सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद मसाला को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। और जब ये 5 मिनट के बाद भून जाएंगे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। इसे मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ मसाले को। ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं बनता, बस थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये करने के बाद अब ये जो हमारे सीख कबाब हैं हमने फ्राई किए थे, ये सारे सीख कबाब हम इसमें शामिल कर देंगे। करने के बाद और इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए हमारे ये सीख कबाब कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब ये है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इस स्टेज पे धनिया डाल देंगे, थोड़ा हम सर्विंग के टाइम पे डालेंगे धनिया डाल के। और ये मेरे पास रेड चिली है, ये डाल। अगर आपके पास ग्रीन चिली है तो आप ग्रीन चिली डाल दें। बस ये करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम अपना फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और ऑफ करने के बाद मैं इसे आपको सर्व करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी सीख कबाब कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनी है। वैसे भी सर्दियां हैं तो ऐसी डिशें खाने में बहुत मज़ा आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मेरा इंस्टाग्राम भी है, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।